नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं अरुण जैसा। इस वक्त की बड़ी खबर सिद्धार्थनगर से आ रही है। आपको बता दें कि सिद्धार्थनगर जिले में एक दलित युवक पर पुलिस के बर्बरता का एक मामला सामने आया है। जी हाँ, जहां पर पीड़ित का आरोप है कि थाना इंचार्ज को लैपटॉप ना देने की वजह से उस पर यह जुल्म व सितम किया गया। इस मामले में पुलिस कप्तान यशवीर सिंह ने CO की जाँच के आदेश दिए और जाँच रिपोर्ट आने पर कार्रवाई की बात की है। आइए देखते हैं आमीन फारूकी क्या दे रहे हैं खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हो, क्या मामला है पूरा? सर, हमारा नाम है काबले सबलूर विकास, हमारा ग्राम है धनकरपुर, थाना भवानीगंज लगता है। वहाँ के SO हैं अंजनी राय कुमार। तो वो एक बार हमें बुलाया गया तो बोले कि आप ऐसा है, दिक्कत होती है, एक लैपटॉप दे दो हमें। तो हम उनसे बोले ठीक है सर, हमारे पास जब होता है तो हम कर देंगे। उसके बाद हम नहीं कर पाए, हमारी माता जी की तबीयत ख़राब था तो 2-3 बार वो फ़ोन किए तो बोले हम कर देंगे। उसके बाद वो हमें फिर एक महिला के थ्रू एक एप्लीकेशन दिलाकर हमें उठाया गया और 12 तारीख को उठाया गया, 13 तारीख तक हमें रखे। उसके बाद 13 तारीख को शाम में बहुत मारा गया। मारने के बाद में उसके बाद फिर 36 घंटे बाद एक हमारा छोटा भाई था, चचेरा भाई है, उसका उम्र कम से कम 14 साल को है, उसको हमारे साथ में उसको भी रखा गया। और रखने के बाद में उसको भी मारा गया, गाली दिया गया। वो बोले ना, अगर रोने लगा तो क्या सर हमें जाने, हम उससे गिड़गिड़ाए कि सर इसको जाने दो, बच्चा है। तो कह रहे ज़्यादा बोलोगे मादरचोद तो बच्चे के साथ में लटका देंगे, तुमको भी लटका देंगे इसको। उसके बाद हमें मारा भी गया है, चोट यहाँ है, दिखा देंगे आपको। और उसके बाद 30 घंटे के बाद में हमें फिर बोले कि पैसा दे दो, अभी छोड़ देंगे। 30 घंटे के बाद हम 5,000 इंतजाम करके दिए, हमारे घर वाले हमारे दोस्त लोग दिए, तो बोले नहीं इसको साले को उठा के फिर से बंद कर दो। फिर हमारे दोस्त लोग डर गए कि अभी रात में अगर फिर नहीं छोड़ेंगे तो फिर मारेंगे। फिर ला के 5,000 दिया, 10,000 करके उसके बाद में 151 हमें चलान किया गया। 10,000 हमसे रुपए लिए, उसके बाद धमकी देने लगे कुछ ज़्यादा करोगे तो तुम्हारे ऊपर गैंगस्टर ला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। भोसड़ी तुम पूरी ज़िंदगी उम्र जेल में उगड़ोगे, हमारा नाम नहीं जानते। अंजनी राय जहाँ हम गए हैं हमारे नाम से लोग काँपते हैं। उसके बाद सर हम बहुत गिड़गिड़ाए, बहुत रोए, हमारी सुनवाई कोई कुछ हो ही नहीं रहा है। हमने सिद्धार्थनगर SP साहब को मेल किया था एप्लीकेशन, हम उतना तो हम जानकारी नहीं थी इसलिए हम नेट द्वारा निकाल के उनके पास मेल कर दिया था। हमारे पास एप्लीकेशन का फोटोकॉपी भी है जो मेल किए थे। इस वजह से हमारी माँ और हमारी बहन को भी गाली दिया गया सर। और उसके बाद हमारे जात बिरादरी और हमारे दलित पे लेकर काफ़ी गंदी गाली भी दिए कि तुम साले कुछ नहीं कर पाओगे। हमारा और हमारी माँ को, हमारी बहन को गाली दिया। हम घर भी नहीं जा रहे, डरे हैं, सहमे हैं कि गाएंगे तो उठवा लेंगे, फिर से मारेंगे और पीटेंगे, इसलिए हम इधर उधर भाग रहे हैं। देखिए, थाना भवानीगंज का एक प्रकरण संज्ञान में आया है। अब उसमें थाने की पुलिस पर आरोप लगे हैं दुर्व्यवहार के। इसमें CO जो लगते हैं क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज, उनको पूरे मामले की जाँच दे दी गई है और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको भी इस पूरे मामले का संज्ञान है। जांच आख्या जैसे ही प्राप्त होती है उसके उपरांत जो भी वैधानिक कार्रवाई है उसके लिए आयोग को, चुनाव आयोग को पत्राचार किया जाएगा और उससे जो भी दिशा निर्देश प्राप्त होंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।